देखो जी क्या लॉजिक यूज हो रहा है, थ्री को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूं तो थ्री आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री, देन थ्री को मल्टीप्लाई करूं मैं टू से, थ्री टू जा सिक्स होता है, देन सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री, योर आंसर विल बी 18, सिक्स थ्री से 18 होता है, देन 18 को फोर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 18 फोर से 72 होता है। लॉजिक पता चल गया कि पहले मल्टीप्लाई बाय वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर मल्टीप्लाई बाय फोर, तो आगे क्या होएगा, मल्टीप्लाई बाय फाइव, 72 को फाइव से मल्टीप्लाई करो, योर आंसर विल बी 360। एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन? आगे सभी को समझ। अब ये मत बोलना कि मैम हमें तो थ्री की टेबल भी नहीं आती थी, नहीं तो ना नाइन्थ से हटा के ना वापस तुम्हें फर्स्ट या सेकंड में बिठा दूंगी। वैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी आती है थ्री की टेबल। अब ऐसा कोई है कि मैम हमें थ्री की टेबल नहीं आती थी? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले थ्री की टेबल यूज हो रही है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18। बताओ अब इतने भी बुरे हालात हो गए, बिठा दो थर्ड में जाके, फर्स्ट सेकंड में बिठा देते हैं, वापस से वन टू थ्री का टेबल सीख के आ जाना, फिर सीरीज के क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। अफरोज को कितनी खुशी हो रही है कि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे हो गया मेरे साथ, ये वाले क्वेश्चन में भी इतना गोल पोल हो गया। चलिए जी, वेरी गुड प्रभात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आगे सभी को समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे एज कम्पेयर्ड कि मैं आप लोगों को आंसर दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पेपर में जाना है देने के लिए। दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का, बताइए। बच्चे आपके पेपर आपके सर पर है, यू हैव टू बी प्रो एट दिस टाइम, होना चाहिए ना प्रो, कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया विद इन 30-40 सेकेंड्स मेरे पास आंसर आना चाहिए, और यहाँ हमें थ्री का टेबल भी नहीं आ रहा। बताओ हद हो गई है, ढूंढो जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट। अगर आपके पास पांच क्वेश्चन आते हैं ना, पांच क्वेश्चन में एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, चांसेस होते हैं 60-40 का रेशो, 60% चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिख ही जाएगा। एग्जामिनर का ये इतना फेवरेट है। अच्छा खुशप्रीत का आंसर आ गया है और बाकी सभी आंसर दे रहे हैं 12 12 12 12 12। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा अभी मैं क्या बोलू इस चीज पे। अभी मैंने सिर्फ 2-3 मिनट पहले बोला है कि आपके पेपर आपके सर पे हैं, यू हैव टू बी प्रो बोला है, और उससे पहले मैंने बोला था कि थ्री का टेबल नहीं आता, मैं आपको सेकेंड या थर्ड में बिठा दूंगी बोला था, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे आपको फर्स्ट में बिठाना पड़ेगा क्योंकि आपको प्लस करना भी नहीं आता जिनके आंसर 12 आ रहे हैं। अब ऐसे अजीब सा मुंह ना बनाओ, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, ये रहा 3, देन 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, ये रहा 5, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है, ये रहा 8, तो 8 + 5 क्या होगा, 8 + 5 क्या होता है भाई, 13 होता है। तो जो बच्चे 12 बोल रहे हैं कौन सी क्लास में बैठना है, फर्स्ट में बैठाऊं सेकंड में, बताओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर 12 ही था, अब बाद में जाके चेंज कर रहे हैं। हाँ जी अफरोज बाद में चेंज हो रहा है, अफरोज का अंश का भी बाद में चेंज हुआ है, पहले तो 12 12 12 12 चल रहा था। एम आई क्लियर, सभी को समझ आ गया? आप भूलना नहीं, पेपर में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सेवन।
सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मुश्किल क्वेश्चन मैं ये वाला बोलूंगी, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं थोड़ा सा हाई लेवल बोलूंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बिल्कुल मुश्किल नहीं बोलूंगी। तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है। सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए मुझे क्या आंसर है। सामने से दिख रहा होगा, अभी ये मत बोलना मुझे काउंटिंग भी नहीं आती। बताइए बताइए जल्दी से बताइए। ब्रह्मजोत कहाँ पर है? ब्रह्मजोत आंसर क्यों नहीं दे रहा है आज? क्या हुआ बच्चे, क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? आंसर दो। अफरोज 456, खुशप्रीत 456, चलो बाकी सभी अंशुल 456। चले जी चेक करते हैं यही सेम आंसर है या नहीं। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 38। 38 आता है, देन 38 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, माय आंसर विल बी 114 आएगा। और अगर मैं 114 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, माय आंसर विल बी 456। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, देन मल्टीप्लाई बाय 4। अगर एग्जामिनर आपसे इससे अगला नंबर पूछता है तो इससे अगला नंबर क्या होगा बताइए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या आएगा? योर आंसर विल बी 5। एम आई क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सभी को समझ आ गया? वेरी गुड खुशप्रीत। एम आई क्लियर कंप्लीटली? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप अपनी अटेंडेंस फिल कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे सभी ने अटेंडेंस फिल कर ली है? चलिए जी सॉल्व करिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से और बताइए मुझे क्या आंसर है इसका। ध्यान से सोचना, ज्यादा डिफिकल्ट लॉजिक्स नहीं है, ठीक से सॉल्व करो जी, बताइए मुझे क्या आंसर होगा। वन सिक्स 15, बीच का नंबर गायब है, 45 66 91। और इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, अप टू यू आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो। आंसर नहीं आया मेरे पास अभी भी, सिंपल आंसर दो। मकसूद, अभिजीत, अंश, अंशुल, ब्रह्मजोत, करणप्रीत, कनिका, खुशप्रीत, प्रभात, सुमेध, वंश, आंसर दीजिए वरदान। वेरी गुड खुशप्रीत। हां जी, इसके अंदर ना बच्चे दो लॉजिक यूज हो रहे हैं, एक तो है जो खुशप्रीत ने बता दिया। अब खुशप्रीत ने क्या बताया, देखो जी खुशप्रीत ने क्या बताया, क्या यूज हो रहा है इसके अंदर। आपके सामने वन दे रखा है, तो वन कैसे आया है? वन मल्टीप्लाई बाय वन करूंगी तो मेरे पास वन आ जाएगा, आएगा। अब वन का टेबल तो आता है ना, ये मत बोलना मेरे को वन का टेबल भी नहीं आता। आगे देखो सिक्स कैसे आया, टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू करूंगी तो कि मेरा क्या बन जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, माय आंसर विल बी 6 आ जाएगा। आगे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 करूंगी तो मतलब क्या हो रहा है, आगे वाले जो नंबर्स हैं वो तो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में चल रहे हैं, बीच के नंबर इसमें ऐड जो हो रहा है वो 2 से ही ऐड हो रहा है, लेकिन यहां पर जो ऐड हो रहा है वो कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं, ऑड नंबर्स। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 3 का क्या होता है, 15 होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये रहा 15, तो आगे क्या ऐड होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय
थ्री की जगह क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर्स लेने हैं, प्लस टू, फाइव प्लस टू क्या हो जाएगा, सेवन, और सेवन फोर जा 28, योर आंसर विल बी 28. अब देखो भाई जस्टिफाई कर भी रहा है या नहीं, 45 आ रहा है उसके अगले नंबर से, सॉल्व करके देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 क्या होता है 9, 9 5 जा 45. समझ आया क्या यूज हो रखा है, सिंपल आगे की काउंटिंग नंबर्स मल्टीप्लाई बाय, अंदर जो है ऑड नंबर्स हैं प्लस ऑफ 2. एम आई क्लियर, समझ आ गया सभी को, कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो. चलिए इसमें एक और लॉजिक भी यूज हो रहा है, एक तो ये रहा लॉजिक जो यूज हो रहा है, दूसरा लॉजिक क्या यूज हो रहा है वो देखो. ये सभी को समझ आ गया, इस लॉजिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब नेक्स्ट लॉजिक देखो क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, सिक्स में से वन माइनस करो क्या आ जाएगा, फाइव आएगा, आएगा जी, 15 में से 6 माइनस करो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आएगा. अब 9 में से 5 माइनस करो, 4 आ जाएगा, आएगा 4. मतलब मैंने क्या किया, मैंने डबल डिफरेंस किया. लेकिन इस चीज की श्योरिटी सिर्फ तभी हो सकती है जब यहां पर भी डबल डिफरेंस सक्सेसफुल हो. अगर यहां पे भी डबल डिफरेंस करने के बाद 4 आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप डबल डिफरेंस नहीं ले सकते. चेक करो यहाँ पे 66 में से 45 माइनस करो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है. सेम ऐसे ही 91 में से 66 माइनस करो क्या आ रहा है आपका, 25 आ रहा है. और 25 माइनस 21 क्या हो रहा है, 4 आ रहा है. तो मतलब ये वाले मेथड में भी डबल डिफरेंस क्या होगा, कामयाब. आप डबल डिफरेंस भी ले सकते हो, लेकिन डबल डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान से लेना, गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं डबल डिफरेंस में. इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को डबल डिफरेंस प्रेफर नहीं करती बीच के लिए, ये जहां पर सेंटर टर्म गायब हो. लेकिन हाँ अगर कोई प्रो है तो वो श्योरली कर सकता है. सॉल्व करो इसको, यहाँ पे अगला नंबर क्या आ जाएगा, 9 से 4 प्लस करो 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आएगा, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 13, 15 प्लस 13 क्या होता है, योर आंसर विल बी 28. तो आपका आंसर आ गया 28. अप टू यू, जो मर्जी मेथड यूज करना है यूज कर सकते हो. डबल डिफरेंस सिर्फ वही यूज करे जो थोड़ा सा प्रो है, इजिली कर पाएगा, क्योंकि सेंटर टर्म में डबल डिफरेंस कंफ्यूजन क्रिएट करता है और गलती होने के चांसेस 80% होते हैं. एम आई क्लियर कंप्लीटली, अप टू यू, जैसा मर्जी करना चाहे आप कर सकते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.